बाद झारखंड विधानसभा चुनाव की जो इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड पर पहुंच गया है। पीएम मोदी की रैली से एक दिन पहले बरहेट से चुनाव लड़ रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बीजेपी मंडल मुर्मू के जरिए हेमंत सोरेन को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी का यह खेल फेल हो गया। इधर झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार अत्याचारी सरकार है और जनता ने इस बार सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने सोरेन सरकार पर जनता से झूठे वादे करने के आरोप भी लगाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के वायदे गिनाकर उन्हें आईना दिखा दिया। इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सेना को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। झारखंड में कमल खिलाने के लिए चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी ने गढ़वा से चाईबासा तक हेमंत सोरेन की सरकार को अत्याचारी बताया, तो सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों पर झारखंड के युवाओं को धोखा देने का इल्जाम भी लगा दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूछ ही लिया कि नए वादे के बिसात बिछाने से पहले पुराने का भी हिसाब दे देते, 2 करोड़ नौकरियां कब मिलेगी तारीख भी बता देते, 15-15 लाख रुपए किसके खाते में आए कोई एक नाम तो बता देते, किस किस की आमदनी दोगुनी होगी किसी एक का नाम तो गिना देते। झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। हमारे इस राज्य के किसान जिसकी आय दुगुना करने के लिए हमारे भाजपा के लोगों ने 2014 से लेकर आज तक आए दिन मैनिफेस्टो में डालते हैं, भाषणों में बोलते हैं, लेकिन सालों साल तक किसान दिल्ली में इनको घेर के बैठा रहता था, इनका आय दुगुना नहीं हुआ। हजारों किसानों की मौत हो गई मौसम के मार से, झारखंड के भी किसानों की वही हालत। डबल इंजन की सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया। नरेंद्र मोदी जी आए, आज झारखंड में है, शायद लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबे लंबे जुमले भी फेंकेंगे और चले जाएंगे। उनसे पूछिएगा हमारे 1,36,000 करोड़ हमें कब मिलेंगे, और उनसे जरूर पूछिएगा कि परिवारवाद की बात आप करते हैं, 68 में से 33 टिकट आपने परिवार के लोगों को दिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है परिवार से, और आप यहां के परिवारवाद की बात करिएगा। मेरा अपना मानना है जो कोई व्यक्ति जनता के माध्यम से चुनकर आ जाता है उस पर इस तरह का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। जनता जिस पर मोहर अपने आशीर्वाद की लगा देती है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है। परिवारवाद कहकर आप जनता का मनोबल, जनता के मताधिकार, जनता के मत का अपमान करते हैं। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की। पीएम मोदी ने इन घोषणाओं को लेकर बीजेपी की पीठ थपथपाई तो लगे हाथ सोरेन सरकार पर महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का आरोप भी लगा दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने सवाल दागा कि झारखंड में 13 लाख लोगों को पेंशन किसने दी, बीजेपी ने अब तक झारखंड में झूठ बोलने के सिवाय कुछ और भी किया है। एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ
जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया।